सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख 65 नगरों के उपनाम के विषय में जानेंगे कि इन नगरों को हम किस उपनाम से जानते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि भारत की कोयला नगरी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, धनबाद को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछता है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो पानीपत को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, यानी कि बेंगलुरु को। फिर देखिए, डायमंड हार्बर क्या कौन सा नगर कहलाता है, तो कोलकाता कहलाता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, हम बेंगलुरु को कहते हैं। फिर है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो मदुरै को कहते हैं। मदुरै को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्योहारों का नगर किस नगर को कहते हैं भारत में, तो मदुरै को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। फिर है महलों का शहर कौन सा शहर कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको राजस्थान लगा देते हैं, तो महलों का शहर है कोलकाता, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेस। फिर है नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर लखनऊ आपको पता ही है। फिर है इस्पात नगरी, तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। फिर है पर्वतों की रानी, मसूरी। फिर है रैलियों का नगर, रैलियों का नगर नई दिल्ली। फिर है भारत का प्रवेश द्वार, तो मुंबई। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। फिर है मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, आपको पता ही है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं, पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को ही कहते हैं, इसको हम बॉलीवुड कहेंगे, ठीक है, भारत का बॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहॉट। भारत का डेटा इट क्या है, पीथमपुर। फिर है पूर्व का वेनिस जयपुर। साल्ट सिटी किसको कहते हैं, नमक की नगरी गुजरात को। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। मलय प्रदेश किसको कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। काली नदी किसको कहते हैं, शारदा नदी को। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। खुशबुओं का शहर इसको हम इत्र नगरी भी कहते हैं दोस्तों, इत्र नगरी। खुशबुओं का शहर कन्नौज, उत्तर प्रदेश का एक जिला। सुरमा नगरी किसको कहते हैं, बरेली को कहते हैं। काशी की बहन किसको कहते हैं, गाजीपुर को कहते हैं। लीची नगर किसको कहते हैं, देहरादून को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं, मैसूर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, ठीक है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। फिर है भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, कश्मीर को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जब पूछेगा तो कानपुर को कहते हैं। मंदिरों व घाटों का नगर बनारस को कहते हैं, वाराणसी को आपको पता ही। धान का डलिया किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। मेघों का घर किसको कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसको कहते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं श्रीनगर को। पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं, तो डूंगरपुर को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का उद्यान किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा होगा। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं, क्योंकि मुंबई में ही सारी पिक्चरें सारी फिल्में बनती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने सारे के सारे चीजों को देख लिया। अब चलिए यहाँ पर उपनाम देखने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। विश्व के क्षेत्रफल का 30% है यह। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर दोस्तों देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, फिर है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, फिर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी 6650 किलोमीटर लंबी है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है अमेजन नदी, फिर है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है मेडिरा, अमेजन की सहायक नदी है यह, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है राइन नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है माजुली जो कि भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वेटिकन सिटी जो कि 44 हेक्टेयर में है, फिर है विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है भारत है, भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है कनाडा है, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा रखने वाला देश चीन है जो कि 13 देशों से सीमा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह दोस्तों जो विश्व का सबसे ज्यादा सीमा रखने वाला देश है इसका मतलब ये है कि जो चीन देश है इसकी सीमा से सटे हुए 13 देश हैं, और यहाँ पर पूछा है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा रखने वाला देश कौन सा है तो कनाडा है, यानी कि यह किसी देश से बहुत लंबी सीमा रेखा रखता है, और जो चीन है यह 13 देशों से इसकी जो इसके देश इस देश की सीमा लगती है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो कि अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, फिर है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया जो कि लीबिया में है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक अंटार्कटिका, फिर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है कैस्पियन सागर, फिर है विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील लेक सुपीरियर, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बैकाल झील, फिर है विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है टिटिकाका, फिर है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है वोल्गा झील, फिर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, फिर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है महाभारत है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर क्या है तो कौन सा है तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फिर है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूजर नेशनल पार्क, फिर है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच जो कि शुतुरमुर्ग है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है नील बेल, फिर है विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है अंकोर वाट का मंदिर, फिर है विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, फिर है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, फिर है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि हमारे देश भारत में है, और वो किसकी यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और उन्हें हम अपने देश का लौह पुरुष भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है जो कि, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हयात रियाद सऊदी अरब में है जो कि, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद जो कि काहिरा में है, फिर है विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर देखिए इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंटर पीटर जो कि वेटिकन सिटी में है, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश भारत है, भारत एकमात्र देश है जहां पर हिंदू है, ठीक है हिंदू बहुतायत मात्रा में हम कह सकते हैं कि हिंदुओं का देश एक भारत ही है जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा है, फिर है दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश तो इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी वाला देश कौन सा है नेकोटिना वाला किसी, दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी इजराइल है, इजराइल में रहती है, फिर देखिए दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी कहाँ रहती है चीन में रहती है चाइना में, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक सीरिया में, आपको पता ही है कि इनका जो ठिकाना आप कह सकते हो आईएसआईएस। इसके बाद दोस्तों देखिए दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अबू वक्र अल बगदादी जो कि आईएस का क्या है सरगना है, दुनिया का सबसे बड़ा डोनर बिल गेट्स, फिर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दोस्तों बराक ओबामा यहाँ पर दिया है, बराक ओबामा आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और फिलहाल अभी जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जे बाइडन,
ठीक है, जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पर आप उनका भी नाम दे सकते हैं, जो बाइडेन। अगर हम फोर्ब्स पत्रिका की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो चीन के, तो यहाँ पर आप जो बाइडेन भी लिख सकते हो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। फिर है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कजाकिस्तान। फिर है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। फिर देखिए इसके बाद है विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद जो कि सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह उज्बेकिस्तान में है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो रेगुनस्की है जो कि तजाकिस्तान में है। फिर है विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ है, महात्मा गांधी सेतु पटना। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कॉटोपैक्सी। फिर है विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन सा है, तो भारतीय रेलवे है। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन। फिर है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय तो ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है, तो पेट है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करना मत भूलेगा। अगर आपकी इसकी फुल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों चैनल से बने रहिए और आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए। जय हिंद।